गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। फर्स्ट इज बंडल ऑफ एज, सेकंड इज पुर्किंजे फाइबर्स एंड थर्ड वन इज कोरोनरी आर्टरीज। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एसए नोड और एवी नोड जो कि बंडल ऑफ हिज और पुर्किंजे फाइबर से रिलेटेड टॉपिक है एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लें जिससे आपको हर्ट के कंडक्शन सिस्टम की इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एसए नोड एवी नोड के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाए। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग डिस्कशन अबाउट बंडल ऑफ हेस, लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन अबाउट एसए नोड एंड एवी नोड। यू कैन सी इन द पिक्चर एसए नोड एंड एवी नोड आर मेंशन्ड इन द डायग्राम। एसए नोड इज नोन एज अ नेचुरल पेसमेकर ऑफ हर्ट। इट इज लोकेटेड in right atrium near the opening of superior vena cava. It can generate impulses at the rate of 60 to 100 times per minute. AV node is located in lower aspect of atrial septum. It can generate impulses if SA node fails at the rate of 40 to 60 beats per minute. In normal circumstances, AV node receives electrical impulses directly from the SA node. Bundle of His. It is a continuation of AV node located at the interventricular septum. Diagram में जो colored portion आपको दिख रहा है ये bundle of His है। It is a continuation of AV node. ये एवी नोड से आगे का भाग है जो कि इंपल्सेस को हर्ट के आगे फॉरवर्ड अदर रीजंस तक पहुंचाता है। बंडल ऑफ हेज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी कि हर्ट के जो लोअर चैम्बर्स हैं, वेंट्रिकल्स हैं, उनको सेपरेट करने वाले सेप्टम पर पाया जाता है। बंडल ऑफ हेज आगे जाकर राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। राइट बंडल ब्रांच राइट साइड ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम की तरफ जाती है जबकि लेफ्ट साइड की तरफ लेफ्ट बंडल ब्रांच सिचुएटेड रहती है। राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस आगे जाकर पुर्किंजे फाइबर्स में मिल जाती हैं। आइए जानते हैं पुर्किंजे फाइबर्स के बारे में। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुर्किंजे फाइबर, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स लोकेटेड बिलो वेंट्रिक्युलर एंडोकार्डियम। पुर्किंजे फाइबर्स वेंट्रिक्युलर एंडोकार्डियम के नीचे पाए जाने वाला फाइबर्स का एक जाल है। They transmit wave of depolarization in ventricles. Purkinje fibers depolarization की waves को ventricles में सभी जगहों तक पहुंचाने का काम करते हैं। Depolarization का मतलब होता है heart का contract होना। Heart का proper rhythmic contraction हो सके इसलिए इम्पल्स को, कॉन्ट्रैक्टिंग इम्पल्स को या डीपोलराइजेशन वेव को हर्ट के सभी पार्ट्स तक पहुंचना आवश्यक होता है। इफ एसए नोड एंड एवी नोड फेल्स दे कैन एक्ट एज अ पेसमेकर। यदि किसी विशेष परिस्थिति में हर्ट का एसए नोड और एवी नोड फेल हो जाए, इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाए तो जान बचाने के लिए हर्ट को लगातार काम करवाते रहने के लिए पुर्किंजे फाइबर्स भी
20 से 40 बीट्स पर मिनट की रेट से इंपल्स जनरेट कर सकते हैं या फिर सिंपली कहें हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। ऐसे नोड एवी नोड के फेलियर होने की कंडीशन में पुर्किंजे फाइबर्स वर्क्स एज अ पेसमेकर ऑफ हार्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, एवी नोड्स के द्वारा 60 से 100 बीट्स पर मिनट जनरेट करवाई जा रही थी, एवी नोड्स के द्वारा 40 टू 60 बीट्स पर मिनट जनरेट करवाई जा रही थी और पुर्किंजे फाइबर्स के द्वारा 20 टू 40 बीट्स पर मिनट जनरेट करवाई जा रही हैं। नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई की जाती है। ये आर्टरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हार्ट के लिए और आगे आने वाली हार्ट रिलेटेड पैथोलॉजीज में। कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा हार्ट की मायोकार्डियम लेयर को भी ब्लड सप्लाई की जाती है और यदि इसमें ब्लॉकेज होता है तो पर्सन को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक हो सकता है। आइए जानते हैं कोरोनरी आर्टरीज के बारे में। कोरोनरी आर्टरी को हम आगे दो ब्रांचेस में बांट सकते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इंफीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर सेप्टल वॉल, ऐसे नोड एवी नोड को ब्लड सप्लाई करती है, जबकि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को हम आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसे शॉर्ट में LADA लाडा के नाम से जाना जाता है और सेकेंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। आइए इसके बारे में जानते हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइडेड इनटू लाडा एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लाडा यानी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एपेक्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है, जबकि सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के द्वारा लेफ्ट एट्रियम, लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स को सप्लाई किया जाता है। आप चाहें तो आपके रिवीजन हेतु इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मुलाकात होगी। नर्सिंग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए रेगुलरली हम इस चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आपके प्रैक्टिस हेतु फॉर नर्सेस प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल पर हमने MCQs पोस्ट किए हैं, आप चाहें तो वहां जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।